तो ये अभी हमारी एक गार्डन एरिया है, गार्डन एरिया आप देख सकते हैं। इतना ज़्यादा स्पेस आपको बॉम्बे में मिल ही नहीं सकता, सो दैट इज़ वाई आई प्रिफर स्टेइंग हियर। बॉम्बे में ऑब्वियसली आपको पता है कितनी छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो भी आपको छोटे छोटे ही फ्लैट्स मिलते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों को कहना चाहती हूँ जो अपने मेहनत से पैसा कमाते हैं कि उनको प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए इन गुजरात, इन अहमदाबाद, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली आपको आपके पैसे की अच्छी वैल्यू मिलेगी, आपको बड़ा घर मिलेगा, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी नाइस, बिकॉज हम सब चाहते हैं कि हमें राइट दाम मिले, अच्छी जगह मिले फॉर द प्रॉपर्टी दैट वी बाय। सो दिस इज़ द जिम। जी हाँ, ये जिम एरिया भी है यहाँ पर, मैं आपको जिम में ले जाती हूँ। This is the gym area. Quite interesting, quite nice, quite spacious. जैसे मैंने आपको बोला. Now we will just take a walk around the garden. That's the way it is. बच्चों के लिए जगह भी है. So आप समझ सकते हैं ये सब चीज़ें आपको बॉम्बे में तो बिल्कुल भी दिखने को नहीं मिले। बॉम्बे में तो इतनी छोटी जगहें हैं कि आप अपने फ्लैट में वर्कआउट तक नहीं कर सकते। तो आपको समझना चाहिए जब लॉकडाउन था तो कितना डिफिकल्ट था लोगों के लिए वर्कआउट करना, बिकॉज एक 2x2 के फ्लैट में आप क्या वर्कआउट कर सकते हैं। सो एनीवेज, नाउ वी विल ट्राई टू सी द योगा रूम। सो दैट्स द योगा रूम। आप देखते हैं मैं काफ़ी वीडियोज बनाती हूँ यहाँ पर सुबह सुबह, जब संग्राम भी होते हैं तब हम यहाँ पर काफ़ी योगा का वीडियोस बनाते हैं, बिकॉज अच्छी जगह है, अच्छा स्पेस है, अच्छा व्यू है। सो दैट्स द वॉल। ये वॉल पे आपने बहुत सारे हैंड स्टैंड्स देखे होंगे, बहुत सारे बैक फ्लिप्स देखे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों मैं यहाँ पर रहना पसंद करती हूँ, बिकॉज जगह है, बड़ी बड़ी जगह है जो महाराष्ट्र में है नहीं। इसलिए अगर महाराष्ट्र से अगर फिल्म सिटी भी शिफ्ट हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए हम शूटिंग करना चाहते हैं, अच्छी तरह से शूटिंग करना चाहते हैं। सब लोग पैसे खर्चते हैं कि अच्छी शूटिंग हो, तो अगर लोग पैसे खर्च रहे हैं कि अच्छी शूटिंग हो तो शूटिंग अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए जगह चाहिए। आपको पता है बॉम्बे में जो मेकअप रूम्स होते हैं, जो शूटिंग के सेट्स होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं, इतने गंदे होते हैं, दैट जो टीवी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती वही जगह में शूट करने के सिवाय, एंड वो लोग वही जगह में शूट करते हैं। एंड आर्टिस्ट को ऑब्वियसली सब कुछ टॉलरेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आर्टिस्ट टैंट्रम थ्रो करेगा तो आर्टिस्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा। आपने तो देखा ही होगा कैसे एकता कपूर के शोज में आर्टिस्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है। इसलिए आर्टिस्ट इज द पर्सन हु सफर्स, बिकॉज शूटिंग जगह बड़ी नहीं होती, मेकअप रूम्स बड़े नहीं होते। तो जब शूटिंग का ये हाल है तो घरों का क्या हाल होगा। यू रियली रियली हैव टू बी अमिताभ बच्चन टू अफोर्ड अ वेरी वेरी बिग हाउस, और शाहरुख खान टू अफोर्ड अ वेरी वेरी बिग हाउस, और ऑब्वियसली अर्न अ लॉट ऑफ मनी टू ओन अ फार्म हाउस लाइक सलमान खान इन पनवेल। जी हाँ, वो फार्म हाउस पे बहुत पार्टियाँ होती है और वो फार्म हाउस पे बिग बॉस के बहुत कंटेस्टेंट्स को बुलाया जाता है, जब ऑब्वियसली बिग बॉस की शूटिंग के बाद उनका बर्थडे मनाया जाता है। सो ऑब्वियसली दिस इज़ वॉट हैपन्स इन बॉलीवुड।